हमारी जो टीम है लड़कियों की हॉकी की, बहुत ही बढ़िया ढंग से खेले हैं और एक समझो बराबर का मुकाबला ब्रिटेन की टीम के साथ था। बहुत मामूली अंतर से एक गोल से हम जीत नहीं पाए हैं, फिर भी हमारी जो टीम बहुत अच्छे प्रकार से खेली है, बड़े दमदार तरीके से खेली है। और उसमें अच्छी बात यह है कि हरियाणा के उसमें 9 खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही थी, आज उनका स्थान चौथा स्थान रहा है। तो उस पक्ष में हमने उनके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है और मैं उनको एक प्रकार से ये कहूँगा कि इसी उत्साह से खेलें और आगे बढ़ें, अगली बार ये जो कमी आ रही है इसको पूरा करें। आज बजरंग पुनिया ने भी आज अपना अच्छा प्रदर्शन करके और सेमीफाइनल में पहुंचा है। मैं आशा करता हूं कि शाम का जो उसका मैच है 2:30 बजे जो भी है तो उसमें और वो अच्छा प्रदर्शन करें और फाइनल में पहुंचे। गोल्ड मेडल की आस हमारी है, वो उससे हम लगा कर रखेंगे, तो वो भी खेलेगा। और आज कम से कम सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद उसने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया है, वो और आगे बढ़े ऐसी मेरी आशा है। अभी सब टीमों का एक पूरा होने के बाद जरूर एक कार्यक्रम करेंगे, जैसे ही सब लोग सब खिलाड़ी वापस लौट आते हैं तो सभी जो हमारे 30 खिलाड़ी गए हैं सबके लौटने के बाद हम एक कार्यक्रम करेंगे।